हेलो दोस्तों, जैसे कि मेरे पास यूपी पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन पेपर आ चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ पहले तो कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये पेपर है, आप देख लेते हैं, देख सकते हैं, फिर मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊँगा। तो देखिए, जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये सारा सोल्यूशन है, मतलब ये एक तरह क्वेश्चन पेपर है। देखिए, मैं स्टार्ट करूँगा हिंदी से, ठीक है। हिंदी के बाद फिर मैं GS लेके आऊँगा। तो देखिए, जैसे कि मैं आपको ये देखिए क्वेश्चन देख रहे होंगे आप लोग, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए देखिए, हिंदी का जैसे क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, पूछे नलिन और राजीव शब्द में निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है। तो देखो, ये कमल का हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है ना। पूर्व और उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा पूछा गया, तो इसका हो जाएगा ईशान आंसर। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, जिससे कम समय में आपके ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन आंसर हो सके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे देख रहे होंगे विकल्प श्रुति सम पूछना है, यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका हो जाएगा, सशधर और शशिधर, ठीक है। यहाँ पे जो गलत वाक्य पूछा गया, तो इसका आंसर मतलब पूछा गया विकल्प शुद्ध वाक्य पूछा गया है, तो इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, दीन दुर्लभों को प्यार करना और मानवता है, ठीक है ना। ये आपका सही हो जाएगा। एक बार देखिए, मैं आपको अभी जल्दी बता रहा हूँ, एक आध अगर कुछ कहीं मिस्टेक हो जाती तो मैं आपको कमेंट के माध्यम से बता दूंगा कि उसमें कुछ सुधार होगा तो बता दिया जाएगा, ठीक है। वैसे कोशिश की गई है सारे क्वेश्चन सही बताने की। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द का यहाँ पे पूछना, तो बिहार बताना आंसर, ठीक है ना। बिहार इसका आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित इसके शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोना आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोना, सोना इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे आता है, यहाँ पे पूछा है ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, तो इसमें संबोधन कारक हो जाएगा, ठीक है ना। संबोधन कारक निम्नलिखित में किस में तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द यहाँ पूछा गया, तो इसमें देखिए यहाँ पे हो जाएगा काज आंसर इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किस विकल्प में सही शब्द तत्सम पूछा गया है, तो नभ्य और स्वरकार इसका तत्सम शब्द सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट आता है रक्त रंजित, रक्त रंजित में पूछा गया तद्भव कौन सा, तो इसमें तत्पुरुष हो जाएगा। कब क्यों सर्वनाम पूछा गया, तो इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। अतः मद्रालय में पूछा गया, तो इसका मद्रा प्लस आलय हो जाएगा, इसका आंसर संधि विच्छेद हो जाएगा। अवतरण चिन्ह में किसका प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे तो किस और नाम से पूछा गया है, तो इसका उद्धरण आंसर इसका सही हो जाएगा। सत्संग किस प्रकार का संख्याबोधक विशेषण है, तो यहाँ पे वैसे आप इसका निश्चित वाचक जो है ये हो जाएगा। ये तो थोड़ा सा डाउट है, लेकिन आप लोग एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, तो इसका बी ऑप्शन ही है, ठीक है। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस बाग में कौन सा क्रिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, ठीक है ना, लिखवाई, ठीक है। चिल्लार में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पे आहट यानी डी ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा अभी ऑप्शन, ठीक है। जानते हो उपसर्ग आगे का होता है, प्रत्यय पीछे का होता है। तिल का तार बनाना सभी लोग जानते होंगे, मतलब यहाँ पे साधारण बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना। यहाँ पे आता है परोच का विलोम शब्द, यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं, परोच का यहाँ पे अप्रोच कर देते हैं, सोचते ये सही होगा, ये गलती हो जाती है। यहाँ पे आपका प्रत्यक्ष इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए का मतलब किसका ये बताया गया है, ये किसकी लोकोक्ति है, तो इसका आंसर हो जाएगा अत्यधिक कंजूस होना, क्या हो जाएगा, अत्यधिक कंजूस होना। वैसा सिंपल पेपर है बिल्कुल, देखा जाए क्रोध किस रस का स्थाई भाव है, तो इसका हो जाएगा आंसर, इसका आंसर ये हो जाएगा रौद्र रस का, क्या आंसर हो जाएगा रौद्र रस का। सौराठक द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्रा होती है, तो 13 होती है, ठीक है ना, और प्रथम और तृतीय में 11 होती है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आता है निम्नलिखित में किसका समान धर्म का होना अनिवार्य है, तो उपमा इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, उपमा अलंकार, ठीक है। यहाँ निम्नलिखित में भाग का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो क्या इसका आंसर होगा, ब्याज ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा, वह बाजार जा चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आसन्न पूर्व भूतकाल, ठीक है। राम अभी सोएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कर्तव्य बात, इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये जैसे गद्यांश है, ये थोड़ा आप देख लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं इसको स्किप कर देता हूँ, गद्यांश कुछ है नहीं, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं और आराम से कर लेंगे, ठीक है। अभी मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे ज़्यादा ज़्यादा आपके क्वेश्चन हो सके, ठीक है। यहाँ पर समुद्र में निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची कौन है, तो रत्नाकर इसका आंसर सही हो जाएगा। जैसे ये 88 क्वेश्चन नंबर देख रहे होंगे आप लोग, इसका रत्नाकर आंसर सही हो जाएगा। मेघ और मेघ का श्रुति सम है, इसका आंसर तो बादल और यज्ञ हो जाएगा। स्त्री जो अभिनय करती है, तो क्या हो जाएगा, अभिनेत्री हो जाएगा, सभी लोग जानते होंगे, जो पुरुष होता है तो अभिनेता कहलाता है। मानसरोवर किसकी रचना है, तो प्रेमचंद इसका आंसर हो जाएगा। मीराबाई किसकी शिष्या थी, तो यहाँ पे देखो आंसर देखिए, रविदास भी ऑप्शन सही हो जाएगा, अगर रविदास आता ना तो रैदास इसका आंसर कर दोगे, ठीक है ना, तो रविदास भी आप आंसर कर सकते हो, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। इस तरीके से आपके हिंदी क्वेश्चन हो गए। ये देखिए मैथ के क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार, आपको मैं सभी नज़र से दिखा देता हूँ, रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन देख सकते हो, रोक के स्लो करके देख सकते हो स्पीड को, आप ये क्वेश्चन सारे देख लीजिए। मैं इसको टेलीग्राम में भेज दूंगा, मेटेक्सा नाम से टेलीग्राम है, वहाँ पे आप जाइएगा, वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, मेटेक्सा नाम से आपको PDF मिल जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ स्पेलिंग क्या लिखनी है, MITEXA, यहाँ पे आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। और देखिए SSC GD के जिनका एग्जाम है, उनके लिए मैंने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है, जाइए आपको 100% उसी क्वेश्चन मिलेंगे। मैंने टॉपिक वाइज भी टेस्ट सीरीज लॉन्च की, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बेहतरीन टेस्ट सीरीज है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।